अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। और रमज़ान मुबारक की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं आपके लिए बड़ी अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ सीख कबाब बिरयानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चिकन का कीमा मैंने ले लिया 750 ग्राम और ये मैंने ले लिया 500 ग्राम बीफ का कीमा। इन दोनों को मैं मिक्स करके बनाती हूँ। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, इसलिए इसके दो होते हैं फ़ायदे। एक तो ये कि ये जो आप कोई भी चीज़ बनाए वो आपकी शिलिंग नहीं होती बनाने के बाद, और दूसरा जो लोग ये कीमे को हज़म नहीं कर सकते वो फिर जब चिकन का कीमा उसके साथ मिक्स होता है तो वो बहुत अच्छी तरह उनका डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं ये दोनों मिक्स करती हूँ। ये पहले हमने चॉप किया हुआ है लेकिन अब इसको दोबारा से चॉप करते हैं, तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारा हमारा अच्छा सा हो गया, बहुत प्यारा हो गया। अब बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे ये प्याज। ये मैंने आधा 500 ग्राम प्याज लिए थे, उनको चॉप करके। तो इसका थोड़ा सा पानी निकाल लिया, ज़्यादा नहीं निकाला। कॉर्नफ्लोर ये मैंने लिया 3 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, रेड चिली 1 टेबलस्पून, क्रश चिली 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 2 टेबलस्पून और नमक मैंने लिया है 1.5। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब मैं इसको मिक्स करके तो इसके कबाब बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। कीमा हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया और अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। ये देख ले मेरे पास ये चॉपस्टिक है, तो मैं इनको बीच में रख के थोड़ा थोड़ा पानी लगाऊंगी और लेके एक, तो जितनी आपको जितना बड़ा कबाब आपने बनाना है उस हिसाब से आप बना लें। इसको थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, फर्स्ट टाइम है गीली करके। तो अब मैं इसके कबाब बना, रेडी हो गया। अब इसको इसके ऊपर से उतार के मैं तो प्लेट में रखती जाऊंगी। कबाब हमने फ्राई कर लिए हैं और चावलों के लिए मसाले के लिए मैं यही वाला ऑयल इस्तेमाल करने लगी जो कि हमने कबाबों के लिए यूज़ किया था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने मसाले के लिए ये 2 प्याज लिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब डालूंगी इसमें टमाटर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये लहसुन, अब मैं इसमें सिर्फ ये 2 चीज़ें डालूंगी, क्रश चिली 1 टेबल स्पून और इस मसाले में नमक जो जलेगा वो सिर्फ 1 टीस्पून डालते हैं, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। थोड़ा सा पानी डालूंगी मसाला भुनने के लिए। अब मैं इसमें 1 कप दही डालूंगी, जिसको ताकि एक मसाला प्यारा सा बन जाए और बहुत अच्छा सा मसाला बन जाए। अब ये जो मैंने लेमन के पीस किए हुए हैं और सब में क्या वो इस मसाले में देंगे। मसाला हमारा भून गया, अब जो फ्राई के बाद वो फिर इसमें डालेंगे। चावल बॉयल करने लगी हूँ तो सबसे पहले मैं देखिए मैं ऑयल डालूंगी। ये कबाबों वाला तेल थोड़ा बच गया था, वो मैंने चावल में डाल दिया, इसका अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ऑयल हमारा गर्म हो गया, मैं इसमें डालूंगी। ये मेरे पास यखनी थोड़ी सी पड़ी हुई थी फ्रीज की हुई, तो वो भी मैंने इसी चावलों में डाल दिया ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी साबुत गर्म मसाला, जिसमें काली मिर्चें, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और मोटी इलायची, ये सारा मैं इसमें मसाला डालूंगी।
और अब हम इसको रखेंगे बॉयल होने के लिए चावलों में, पानी जैसे ही बॉयल आए तो हम चावल डाल देंगे। चावला से मैंने चावल है तो उस हिसाब से मैं डालूंगी इसमें नमक, यखनी में भी थोड़ा पड़ा हुआ है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 4 चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी। अब इसको कवर करते हैं। ये मैंने 3 टुकड़े पानी में यखनी में डालने लगे ताकि ये हमारे जो चावल हैं वो ना बैठे। अगर आप थोड़ा सा नींबू पानी में डाल दें तो चावल जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होते। ये देखें हमारे चावल माशाल्लाह 70% पक गए हैं। अब हम इनको करेंगे आधा, एक बाउल में अलग से डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब ये हाफ हो गया। अब इसमें फूड कलर डालूंगी थोड़ा सा। मैंने कभी पानी में नहीं घोल के डाला, ऐसे ही मैं डालती हूँ, ये बड़ा अच्छा रहता है। और ये देखें जो मसाले पहले हमने कबाब बनाए हैं वो इसमें चाहिए। हमने पुदीना डाला, सब्ज़ धनिया भी डालते हैं पर हमारे पास वो था नहीं इसलिए मैंने वो नहीं डाला। अब बाकी के चावल इस पर डाल के दम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाह। मैंने चावल जो है वो बॉयल नहीं किए, मैंने चावल घी के साथ और मसालों के साथ थोड़े से मतलब थोड़ा पानी कम करके तो इनको बॉयल किया ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अंदर ही रहे। बस ये हो गया। अब हम इसको रखेंगे दम पे। चलिए थोड़ा सा येलो फूड कलर है ये मैं अब ऊपर भी डालूंगी ताकि जब हम मिक्स करें तो एक अच्छा सा इसका आ जाए। कपड़ा लगा के इसको 10 मिनट टाइम दे के तो हम दम पे रख देंगे। व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा दाम लग गया। अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान। तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हमारे राइस बन गए हैं। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा और उनकी दुआएँ समेटिएगा। तो अब चाहते हैं मैं जाना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।